हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 11th, आज का लेक्चर 2 है और आज का टॉपिक है कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस, इससे पहले हमने स्टडी की थी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को सेल्स से फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का, वो है कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मींस प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी आवश्यक स्थितियां यानी कि कंडीशंस हैं। तो आप जानते हैं, पहला कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए जो पहला कंडीशन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कंडीशन वाटर है, तीसरा कंडीशन सनलाइट है और फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन है क्लोरोफिल। यहां पे आप देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को कहा जाता है रॉ मटेरियल्स। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल का वर्क करते हैं। लेकिन अगर कंडीशन पूछा जाता है तो ये चारों कंडीशन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिएगा, मेंशन किया हमने द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। मींस बिना इन चारों के ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये चारों कंडीशन जरूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, वाटर का होना जरूरी है, सनलाइट का होना जरूरी है और क्लोरोफिल का होना जरूरी है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ओके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में किस तरह से इंटर करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसकी स्टडी हम करते हैं। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ओके, अब ये जो एयर होता है, मींस एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो जो एयर होता है वो प्लांट्स के लीव्स में किस तरीके से इंटर करता है, इस बात को हम समझते हैं। आइए समझते हैं। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, ये हमने लीफ के स्ट्रक्चर को बनाया है। ओके, देख रहे हैं आप, अब ये जो लीफ का लोअर सरफेस होता है, ओके, इस लोअर सरफेस में छोटे छोटे पोर होते हैं, ऐसे पोर को स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ओके, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर में, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमेटा से इंटर करता है, कहां? लीफ में। और जो लीफ के अंदर ऑक्सीजन बनता है, ये इसी स्टोमेटा के रास्ते से बाहर आता है इन्वायरमेंट में। ओके डियर स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है? यानी स्टोमेटा इज ए पोरस स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट एट द लोअर सर्फेस ऑफ लीफ, बाई द हेल्प ऑफ स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स इन द लीव्स एंड ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम लीव्स इनटू द एनवायरनमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टोमेटा होता है इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। मींस अगर इसे हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से सब स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, बहुत केयरफुली देखिएगा। ये हमने ड्रा किया,
ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसके अराउंड ये जो दो स्ट्रक्चर हमने बीन शेप स्ट्रक्चर जो है यहां पे ड्रा किए हैं, इसको हम गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड सेल, जी यू ए आर डी, गार्ड सी ई डबल एल, सेल। ओके, अब इसके अराउंड एक टाइप की सेल और पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी सेल। क्या कहते हैं? सब्सिडरी सेल। तो ये जो मैं ड्रा कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत केयरफुली देखिएगा, ये मैं ड्रा कर रहा हूं सब्सिडरी सेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया सब्सिडरी सेल। तो यहां पे हम लिखते हैं ये है सब्सिडरी सेल, सब सी ड्री सेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, और अंदर की तरफ टू सेल हैं, वन एंड टू, ये बीन शेप्ड है ना, ऐसे सेल को हम कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। ओके, अब गार्ड सेल में क्या पाया जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? गार्ड सेल में जो होता है न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? और पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, और ये हो गया न्यूक्लियस। तो अब इसको हम लिखते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लिख दिया ना हमने। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब एक बार फिर से स्टडी करते हैं। जो लीफ होता है, इस लीफ में पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, इसके लोअर सरफेस पे पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, और उस पोरस स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके हेल्प से ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है। अगर इस स्टोमेटा, एक स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो ये इस तरीके से होता है, जिस तरीके से हमने मेंशन किया, यहां पे ड्रा किया अभी जस्ट। ओके, यहां पे देखते हैं तो ये जो स्टोमेटा होता है इसके चारों तरफ सब्सिडरी सेल पाया जाता है। कौन सी सेल पाई जाती है? सब्सिडरी सेल पाई जाती है। और सब्सिडरी सेल में क्या भरा होता है? सब्सिडरी सेल में भरा होता है वाटर। क्या भरा होता है? वाटर भरा होता है। उसके बाद में सब्सिडरी सेल के अंदर बीन शेप्ड दो सेल पाई जाती हैं, वन एंड टू, इसको हमने क्या नाम दिया? गार्ड सेल। गार्ड सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं। और क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, बताओ? क्लोरोप्लास्ट। ओके, आफ्टर दैट, अब ये दोनों जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जिसको हमने गार्ड सेल कहा, इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो बीच में एक पोर है कि नहीं है? देखो, ये इतना 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 बड़ा, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा पोरस स्ट्रक्चर है कि नहीं है? बोलो, इस पोरस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस पोरस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट स्टोमेटल कैविटी। क्या कहते हैं? बोलो एक बार फिर से, यस, स्टोमेटल कैविटी। ओके, तो ये हो गया स्टोमेटल कैविटी। अब देखो, अभी मैं क्या कह रहा था, अभी जब हम लोगों ने स्टोमेटा की स्टडी नहीं की थी, उससे पहले हमने क्या कहा था कि स्टोमेटा के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जाता है और ऑक्सीजन जो है इसी स्टोमेटा के रास्ते से जो है वो इन्वायरमेंट में बाहर आता है। लेकिन अब हमने स्टडी कर ली, अब देखिए यहां पे थोड़ा एक स्टेप देखिए, हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। स्टोमेटा में स्टोमेटल कैविटी होता है, इस स्टोमेटल कैविटी से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर इंटर करता है और ऑक्सीजन इसी स्टोमेटल कैविटी से इन्वायरमेंट में बाहर आता है। बात समझ में आई? तो जब नॉलेज नहीं था, जब हम जानते नहीं थे कि स्टोमेटल कैविटी क्या है, तो हम डायरेक्ट कह देते थे कि स्टोमेटा बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज अकर इन लीव्स बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। बट अब नॉलेज हो गया ना, तो अब जब नॉलेज हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम कहेंगे स्टोमेटल कैविटी के हेल्प से गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो लीव्स के अंदर पाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, बात समझ में आई मेरी? अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन मेंशन करिएगा।
ओके, और अगर आपका क्वेश्चन होगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है डियर स्टूडेंट्स? बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, इट इज ए पोरस लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है यहां देखिए आप, हमने यहां पे रिटर्न किया है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड था जो हमने स्टडी की, अब दूसरा कंडीशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? वाटर, यानी वाटर को किस तरह से कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑब्टेन करता है, तो कैसे करता है आप बताओ, बताओ आप, यहां हम समझते हैं, यहां हम समझते हैं थोड़ा सा, यहां पे हम फिगर ड्रा करते हैं, हम एक प्लांट बनाते हैं। ओके, चलो एक प्लांट बनाते हैं, आप भी बनाइएगा, रफ ले लीजिएगा, बनाइएगा, ड्रा करिएगा प्लांट। ये देखो हमने एक प्लांट्स बनाया, इसमें हम ये लीफ हमने ड्रा कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, लीफ हमने ड्रा कर दिया, ये लीफ ड्रा कर दिया हमने। ओके, यहां पे हम फ्लावर, इस तरीके से हम फ्लावर मेंशन कर देते हैं, फ्लावर बना देते हैं, ठीक है, ये फ्लावर लगा हुआ है। ओके, आप समझ लीजिएगा, ठीक, ये प्लांट, ये तो हो गया सॉइल और ये हो गया रूट, क्या हो गया ये प्लांट का रूट, तो इसको हमने कहा रूट। ओके, इसको हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? स्टेम। ओके, इसको क्या कहेंगे? लीफ। इसको हम क्या कहेंगे? फ्लावर। ये हमारा पूरा प्लांट बन गया। अब देखिएगा, जो सॉयल पार्टिकल्स होते हैं, कौन से पार्टिकल्स होते हैं? सॉयल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सॉयल पार्टिकल्स हो गया, सॉयल पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। इस सॉयल पार्टिकल्स में वाटर होता है, और इस वाटर में क्या डिजॉल्व होते हैं? इस वाटर में मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, तो यहां पे हम लिखे दे रहे हैं मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स कहीं अलग नहीं होता है, बल्कि मिनरल्स जो होता है वो वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व होता है, जो ग्राउंड वाटर होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें मिनरल डिजॉल्व होता है, जैसे नाइट्रोजन है ना, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब डिजॉल्व होते हैं ऑलरेडी। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो रूट है, ये रूट के जो रूट हेयर होंगे, ये तो रूट हो गया, और रूट में छोटे छोटे रूट जो होता है ये डिवाइड हो जाता है, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं, तो ये हो गया रूट हेयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखो, ब्लैक पेन से हमने रूट हेयर ड्रा किया है और ब्लू पेन से रूट, तो यहां देखिए रूट हेयर जो है वो किससे आकर के अटैच हो रहा है? रूट हेयर आकर के सॉइल पार्टिकल से अटैच हो रहा है, अटैच हो रहा है, नहीं अटैच हो रहा है, अटैच हो रहा है ना। अब ये रूट हेयर जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल पार्टिकल से, और किसको देगा? रूट को, यानी वाटर अब कहां पहुंच जाएगा? रूट में पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा वाटर? रूट में पहुंच जाएगा। ओके, और जब वाटर रूट में पहुंचा तो वाटर में चूंकि मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, तो इस तरीके से मिनरल्स भी रूट में गया, फिर रूट से वाटर कहां जाएगा? स्टेम में, स्टेम से कहां जाएगा? लीव्स में, और वहां जाने के बाद वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, और उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा बच्चों? ग्लूकोज। ओके, अब बात ये आती है कि जो वाटर होता है वो रूट हेयर से लीव तक, रूट हेयर से, ये रूट हेयर हो गया ना, रूट हेयर से लीव्स तक कौन पहुंचाता है? तो मैं आपको बता दूं, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जाइलम वेसल्स कहते हैं, क्या कहते हैं? जाइलम वेसल्स। तो कंडक्शन ऑफ वाटर जो है वो जाइलम वेसल्स के हेल्प से ही पाया जाता है, यानी जाइलम वेसल्स एक पाइप होती है, ठीक है,
और उस पाइप के हेल्प से रूट हेयर से वाटर जो है ठीक है वो लीफ में पहुंचता है। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, आइए यहां पे हमने कुछ लिख रखा है आपके लिए, आइए समझते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, बात समझ में आई, वाटर और मिनरल्स दोनों सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मींस वाटर के अंदर मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, आर एब्जॉर्ब बाय द रूट, और रूट के हेल्प से या रूट के द्वारा उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट के, एंड ट्रांसपोर्टेड और स्थानांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू इट्स लीव्स, इसकी पत्तियों में, थ्रू द इंटरकनेक्टेड पाइप कौन सा है, क्या नाम है इंटरकनेक्टेड पाइप का, जाइलम वेसेल्स, क्या नाम है बच्चों, जाइलम वेसेल्स, माय डियर स्टूडेंट्स क्या नाम है, जाइलम वेसेल्स, तो ये ध्यान रखिएगा, जाइलम वेसेल्स इज द इंटरकनेक्टेड पाइप विच कंडक्ट द वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ, या ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स, प्रेजेंट थ्रू आउट द रूट, बात समझिए, रूट में, स्टेम में, ब्रांचेस में एंड लीव्स में और पत्तियों में भी ये प्रेजेंट होते हैं, कौन, जाइलम वेसेल्स, बात क्लियर है। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का रोल क्या होता है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का रोल क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है ये लीव्स में पाया जाता है और इसका रोल ये होता है कि जो जब लाइट आती है, लाइट एनर्जी आती है तो क्लोरोफिल उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। आइए यहां पे हम देखते हैं, बुक में देखते हैं, ये बुक है, आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, देखिए क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या रोल है, तो यहां पे देखिए, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सन एंड सप्लाई दिस एनर्जी टू द लीव्स टू एनेबल देम टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस फॉर मेकिंग फूड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर लीव्स का है, कौन सा है, ये लीव्स का है, ठीक है, और यहां पे देखिएगा, एक लेयर होती है पैलिसेड लेयर, ये देखो ये पैलिसेड लेयर है, कौन सी लेयर है, ये पैलिसेड लेयर है, तो यहां पे हम लिखते हैं पैलिसेड लेयर, लीफ में पाई जाती है पैलिसेड लेयर, और पैलिसेड लेयर में क्या होते हैं, पैलिसेड लेयर में ये देखो गोल गोल आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है, क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोफिल यहां लिखा नहीं है, यही क्लोरोफिल पैलिसेड लेयर में पाए जाते हैं, तो जो लीव्स होती है उस लीव्स में एक पैलिसेड लेयर होता है और उस पैलिसेड लेयर में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और यही क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आप केयरफुली देखिए। ओके ओके डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट नाउ नेक्स्ट पॉइंट है द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का क्या रोल है, तो सनलाइट मींस एक एनर्जी तो होती है, तो यहां पे देखेंगे इस अर्थ पे जितने भी लिविंग्स हैं सबको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, सनलाइट करती है, यानी सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, बिना सनलाइट के जो है वो इस अर्थ पे लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता, लाइफ का कोई अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता, हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते हैं, ना प्लांट्स, ना एनिमल्स, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिखा है सिंस ऑल द फूड ऑन दिस अर्थ इज मेड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, देयरफॉर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने कहा ना कि मेजर सोर्स अर्थ पे जो एनर्जी का मेजर सोर्स है वो क्या है, सनलाइट है। ओके आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीव्स ऑफ वेरियस कलर, वेरियस कलर के लीव्स
यहां पे देखिएगा लीव्स के वेरियस कलर हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे वेरियस कलर्स ऑफ लीव। ओके देख रहे हैं ना, हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें ग्रीन लीव्स होते हैं और ग्रीन लीव्स में क्या होते हैं क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी कोई प्लांट अपने फूड को क्या करता है बनाता है। लेकिन यहां पे तो देखो यहां पे वेरियस टाइप्स ऑफ लीफ है, वेरियस कलर्स ऑफ लीफ है, ठीक है, कोई रेड है कोई वायलेट है कोई ब्राउन है ना, तो क्या इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? डियर स्टूडेंट्स इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसा नहीं है कि ग्रीन लीव्स होगा तभी उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं, वो अगर रेड है वायलेट है ब्राउन है किसी भी कलर में तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। यहां हम देखते हैं थोड़ा बुक में, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन कलर्ड लीव्स, सम ऑफ द प्लांट्स हाउएवर हैव लीव्स ऑफ अदर कलर्स सच एज रेड वायलेट ब्राउन एटसेट्रा, द लीव्स हैविंग कलर्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल इन देम, मतलब क्या समझ रहे हैं आप, किसी भी कलर का लीव्स होगा तो उसके अंदर क्लोरोफिल होंगे। एक्चुअली द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड वायलेट ब्राउन आर अदर पिगमेंट्स, मतलब जो रेड पिगमेंट्स होते हैं जो ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं जो वायलेट पिगमेंट्स होते हैं वो लीव्स में जब ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं तो उनका कलर भी चेंज हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। श्योर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट अदर देन लीव्स, यानी कि अभी हम बात क्या कर रहे थे कि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होते हैं, लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होते हैं, लेकिन नहीं, आगे एक टॉपिक दिया गया है फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट अदर देन लीव्स, मतलब लीव्स के अलावा लीव्स के अतिरिक्त भी प्लांट में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आपने कैक्टस देखा होगा, देखो ये कैक्टस का स्ट्रक्चर है, ये कैक्टस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए कैक्टस की जो लीव्स होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, स्पाइन में कांटों में चेंज हो जाती है, कंटिकाओं में चेंज हो जाती है, और ये जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं मतलब मरुस्थलीय पौधे होते हैं, ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पे वाटर की क्या होती है कमी होती है ना, जैसे डिजर्ट रेगिस्तान है डिजर्ट है तो इनको हम डिजर्ट प्लांट भी कह सकते हैं। ओके अब इसमें आप क्या देखिएगा, देखिए इसके स्टेम है, स्टेम ग्रीन कलर के हैं कि नहीं है, दिखाई दे रहा है ना, अरे लीव्स लीव्स तो बन गया स्पाइन, तो स्पाइन की तो बात हटा दीजिए क्योंकि लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन इसके जो स्टेम है वो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, नहीं दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, यानी कि ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल है, और अगर क्लोरोफिल है तो इसके स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होगी, मतलब कैक्टस प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिनके स्टेम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स तो आज के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।